हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कूलर बने रखे हैं और आपने भविष्य में कूलर बहुत देखे होंगे। छोटा कूलर देखा होगा, बड़ा कूलर देखा होगा। ये कूलर रखे हैं, देखो ये मिनिमम साइज़ के होते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे, कूलर दिखाएंगे। कूलर नहीं, कूलरों का बाप है। और जिस भाई को बनवाना हो तो ऑर्डर कर सकता है। ये देखिए, ये कूलर बना रखा है। इसकी हाइट 8 फीट और इसका डाया है जो 4x4 का है, यानी कि 4x4 का। ये देखिए, अभी काफ़ी पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाइट बहुत लंबी है। ये देखिए आप, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। और ये एसी को भी फैल करता है। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि कमेंट में हमारे पास लिखा आता था भैया कुछ अलग करके दिखाओ, तो हमने इसके अंदर एनीपैड लगा रखा है। और एनीपैड आम एनीपैड हो जैसा एनीपैड नहीं है, ये 0 साइज़ का एनीपैड है, क्योंकि हमने एक पहले इसका एक छोटा प्रोजेक्ट तैयार करके देखा था। आपको जाली भी दिखाई दे रही होगी इसकी और इसकी बैक साइड। तो हमने अब की बार कुछ अलग किया, हट के इसकी हाइट बढ़ाई है और इसके अंदर डबल हैवी ब्यूटी की मोटरें लगाई हैं। देखिए आप कैसा लग रहा है। और इसको चलाते हैं तो ये इतनी ज़बरदस्त एयर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते भाई कितनी ज़बरदस्त एयर है इसकी। ये देखिए, अब हमने आपके तीनों साइडें दिखा दी इसकी। और इसकी हवा देखोगे ना आप, हवा नहीं, बिल्कुल फाड़ू हवा है, फाड़ू, आप सोच भी नहीं सकते। और ये हमने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, ये हमने बीकानेर मिष्ठान भंडार के लिए तैयार किया है, क्योंकि उसके पास रेस्टोरेंट है खुद का, तो उसने पहले एसी लगवा रखे थे। एसीयों से मतलब कितना अच्छा बेनिफिट नहीं हो रहा था उसको, तो उसने हमारे से सलाह ली चैनल पे देख के, तो बोले भैया हमारे लिए यहाँ पे कुछ करके दिखाओ। तो उसका पहले एक कूलर लगा था, फिर नेक्स्ट कूलर और लगा रहे हैं उसी के पास से। तो अभी जहाँ पे इसको लगाएंगे अब की बार वो वीडियो भी डालेंगे, इसके लिए डक्ट तैयार करेंगे आगे के लिए इसके। और आप देखते रह जाओगे भाई, हाँ वाकई में कुछ चीज़ बनी है। अगर किसी भाई बहन को बनवाना हो, कहीं भी बनवाना हो, तो आप हमारे चैनल पे से वीडियो को देख के आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आपसे ये विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उससे हमारे को बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है अगर हम भविष्य में और कुछ अच्छा करें। और अपने विचार हमारे को बताइए कमेंट में। तो धन्यवाद।